देखो मैं मेरे ज़िले पुलिस की तरफ से आम जनता को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पुलिस को कोऑपरेट करें, समस्या को समझ के जो ज़रूरी हो वो ही निकले। जब हम इस दोपहरी धूप में तप रहे हैं सिर्फ जनता के लिए, तो मेरा मैसेज यही जनता से हाथ जोड़ के पुलिस की तरफ से, प्लीज़ पुलिस को कोऑपरेट करें और कोविड-19 को मिल के हराएंगे और मजबूती से हराएंगे। डटे रहो, सेफ कीप योर होम, एक ही है, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। जय हिंद, जय भारत। भाई JNC सलूट करता है ऐसे ऐसे अधिकारियों को जो ऐसी ऐसी बातें करके देश के लोगों के अंदर नया जोश भर देते हैं। लेकिन लोगों से बार बार विनती है, JNC की भी, स्टाफ की भी, कि घर पे को जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घरों के बाहर ना निकले। नमस्कार, मैं अजय और बात एक शहर के लिए कड़वी बात। ये चाहे सत्ता का खेल कहना, चाहे पब्लिक का खेल कहना, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं पिस रहा तो पुलिस डिपार्टमेंट पिस रहा। क्योंकि बात की जाए ड्यूटी की, तो 24 घंटे की ड्यूटी जो गिनती के पुलिस वाले भिवानी के अंदर है वो ही दे रहे, चाहे रात की बात हो, चाहे किसी और बात की बात हो, चाहे मंडी बंद करने की बात हो, चाहे रोड के ऊपर नाकों की बात हो, और चाहे एरिया क्वारंटाइन की हो उनकी बात हो। लेकिन गृह मंत्रालय ने कोई आदेश नहीं दिया हुआ ऊपर से नीचे तक का, क्योंकि बस काम है, काम करवाओ, किस प्रकार से करवाएं वो ही बात है। क्योंकि मैंने पुलिस वालों के काफ़ी इंटरव्यू किए और काफ़ी बातें की, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब की बार ये कहने को मजबूर है कि करा के आदेश नहीं है, किसी के उठे बैठे भी नहीं मरवा सकते, लेकिन पब्लिक है मानने का काम नहीं कर रही, ये भी रियलिटी माने। आज से 2 दिन पहले भी यही हाल था, और आज से जो आज की तारीख की बात है आज भी हाल तो वही है। अब ये देखें सिविल वर्दी में भी हैं, वर्दी में भी हैं, और वे काम भी करने लग रहे हैं, लेकिन सार्थक बात नहीं दिख रही लोगों की, चाहे इस रोड की बात हो, चाहे बात हो उस रोड की, यानी आवागमन लोगों का वो ही है। या तो सत्ता गृह मंत्रालय हरियाणा आदेश दे पुलिस डिपार्टमेंट को कि आप थोड़ा सख्ताई करें, या फिर जो दो पहलुओं पर काम ना करवाए हरियाणा सरकार अपनी कुर्सी बचा रही हो और कहीं ना कहीं आज पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम भी कर रही हो। क्योंकि सोशल मीडिया पे हवा चला हुआ, कमेंटों द्वारा, मैसेजों द्वारा पता चलता है कि आज पता नहीं पुलिस वालों को क्या क्या कहा जा रहा, लेकिन वास्तव में अगर आज आपके शहर की छवि टिकी हुई है तो इनके कंधे पर टिकी हुई है। 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं ये लोग, चाहे होमगार्ड के जवान हो, चाहे आपके पुलिस के अधिकारी हो या जवान हो, आज प्रत्येक कर्मचारी रोड पे है, लेकिन पब्लिक है जो शहर की मानने का काम नहीं कर रही। आशीगढ़ का माहौल है, करीबन 12 बजने में 5 मिनट है गूगल टाइम, 5 मिनट में 5 मिनट है 12 बजने में, ऊपर नीचे 1-2 मिनट का हो सकता है, घड़ी का टाइम गूगल टाइम में फ़र्क है। अभी देखें पुलिस अधिकारी हैं लोगों को समझाता हुआ, लेकिन नंबर प्लेट है कच्ची नंबर प्लेट है, इसका 500 रुपये जुड़वाना है, कैश भरोगे आप बाद में। चलो भाई एक गाड़ी आ रहा है वो उस पर बात कर लेता हूँ। तो बेटा भाई नमस्कार, सर कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे? हम तालू से आए हैं जी जी, और सिविल हॉस्पिटल जा रहे हैं, सिटी स्कैन करवानी है, मेरे बड़े ब्रदर इनको बुखार है। अच्छा, तो वो तो आपको बताएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये है अब एक आदमी हो रहा है रोड पर, उस तो बुझ ली हूँ कि भाई तू क्या ठंड है, आ जा खड़का था परिवार में कोई बीमार है तो गर्म पानी में नहाना पड़ेगा भाई, नहीं तो और अटूट हो जाएगा। मैं हमारे SSR से बात कर लेता हूँ कि सर आप जो फील ना करें, जो चीज़ होगी वास्तविकता वही दिखाऊंगा, आपका कार्य का सिरे भी दिखाऊंगा और आपकी जो कार्य में कहीं कोताही हो रही वो भी दिखाऊंगा। सर नमस्ते, कैसे सर? बिल्कुल सही, सर आपसे एक ही भावना बरसवा ले लेता हूँ, क्योंकि आप भिवानी से काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं सर। सर पब्लिक नहीं मान रही, पुलिस ड्यूटी पे है, क्या कहेंगे, क्या होगा सिस्टम का, क्या होगा इसी आवा जावा का?
जनता को मानना पड़ेगा, जनता नहीं मानेगी तो नुकसान होगा। लेकिन सर आदेश तो आपके पास भी नहीं है, आपके पास ये है कि गिद्र धमकी वाली बात है, धमका के लेना है बस, बाकी कुछ नहीं करना, नहीं तो उठे बैठे मरवा सकते, कोई आदेश नहीं दिया हुआ आपके ऊपर के उच्च अधिकारियों ने या फिर हरियाणा के गृह मंत्रालय ने कोई आदेश दिया पता नहीं सर, क्या आदेश है आपके पास, किस प्रकार आपको रोकना पब्लिक को? हमारे पास है ना आदेश दे रखे हैं, वह हर आदमी को चेक करो, बेवजह से जो घूम रहे हैं उसके चलान करो और उसको समझाओ, बेवजह से ना घूमे, रोके जो बेवजह घूम रहे गाड़ियों में, चाहे टेम्पो में बात हो, चाहे पैदल की बात हो, चाहे साइकिल की बात हो, चाहे बाइक की बात हो। देखो जी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, अफसरा के आदेश की पालना कर रहे हैं और जनता को ना समझा भी रहे हैं, जो कानून है उनके अनुसार कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन जनता शहर की नहीं मान रही, चाहे मंडी की बात हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल के आगे की बात हो, चाहे किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल के आगे की बात हो, बस भीड़ है बाकी कुछ नहीं है, समझ जाए शहरवासी, पुलिस वाले हैं, अब एक के पांच तो होंगे नहीं, लेकिन ये अपनी ड्यूटी के ऊपर अगर बात करें करीबन 12 बज चुके हैं, अगर शिखर दोपहर की बात की जाए तो धूप के अंदर गाड़ियों को चेकिंग करने का काम कर रहे, और ये काम भी आप लोगों के लिए ही किया जा रहा, तो कृपया करके सतर्क रहे, सेफ रहे, ये रियलिटी है। तो एक जवान ने बताया कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई सर, दुर्घटना कर सकते, सीट बेल्ट लगाए क्या कहेंगे सर? बिल्कुल लगानी चाहिए सर। तो सर कहाँ जा रहे हैं आप? थोड़ा आप भी अपनी संस्था की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे मुहिम चलाए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। बिल्कुल सर, अभी तो 12 तारीख से एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं, फील्ड में उतरेंगे जी। हाँ तो बिल्कुल फील्ड में आज देश सेवा का टाइम आ गया है, अब गाड़ियों से बना पड़े, देश सेवा का टाइम आ गया, देश के लिए लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, तो चाहे कोई डिपार्टमेंट का अधिकारी हो कर्मचारी हो, वो अब धरातल पर आए, गाड़ियों से बना पड़े, पुलिस अपना काम करती हुई 12 बजे देखी जा सकती है रोड के ऊपर। तो भाई ट्रैफिक इंचार्ज आ गए मेरे पास, सब आ गए 12 बजे का, भाई अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पे है सर, कितनी ड्यूटी दोगे आप, तो थक जाओगे। हम सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक ड्यूटी देते हैं, लेकिन सर रात की ड्यूटी भी आप लोगों की बटारी है, दो शिफ्ट में है, आपके बटारी है, सारे काम आपके बटारी दे दिए, लेकिन सर सर नहीं मान रहा। फिर भी हम सख्ताई कर रहे हैं, काफ़ी फर्क है पहले से, जो विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, विदाउट पास चल रहे हैं, उनका हम चलान कर रहे हैं, थोड़ी सी और सख्ताई करें प्लीज शहर के लिए, क्योंकि शहर ये आपका ही है। ठीक है, ओके, चलो भाई। गृह मंत्रालय से विनती है डिपार्टमेंट के लिए कि कोई सख्त आदेश दे ताकि ये महामारी रुक सके और इसकी चैन सिस्टम टूट सके। बच्चे कहाँ जा रहे हो? बैंक में गए हुए हैं। क्या काम कर रहे हो? पैसे निकलवाने के लिए जा रहे हो? पैसे निकलने जा रहे हो? हाँ जी। और सेफ्टी से ना, और हाथ सैनिटाइजर रुकना, आने के बाद भी निकलने के बाद भी। ओके। अब ऑटो वाले से पूछ लेता हूँ कि ये बच्चे साथ में भी है, सवारी भी है, सर कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे आए थे? सर दवाई लेने जाने, इसकी इसकी दवाई लेने, बाकी ये पीछे कौन है? सवारी है सर। ये गलत बात आपकी, आपके पास सैनिटाइजर है? आपके पास सैनिटाइजर है? सैनिटाइजर तो नहीं है। तो अगर बाई चांस इसको फीवर हुआ तो उन लोगों को हो जाएगा, तो क्या करोगे आप लोग? सिर में दर्द हो रहा था, इसके सिर में दर्द हो रखा है बच्चे, फिर आप सवारी मत बैठाओ ना, काम तो करो, चाहे इसको तो पहले दवाई दुआ के लेके आओ या सवारी डोलो। मेडिकल की दुकान से उसी इधर की दवाई ले लेंगे ना बस। अच्छा चलो भाई जी, कहाँ से आए हो? मैं जी पत्रम धर्मशाला से आया, दवाई लेने जाऊँगा सर। पर्ची पर्ची है? पर्ची 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 कौन सी? धर्मशाला की पर्ची है जी, धर्मशाला की पर्ची है जी। नहीं पर्ची तो दवाई लेने जा रहा ना, तो हाँ जी हूँ दवाई ले आऊँगा सर। नहीं गलत बात है भैया। ठीक है सर, मैं तुम मास्क बदल ले। ठीक है सर, और गर्तवान ना निकले फालतू, बीमारी है। ठीक है, आप कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे बस अड्डे। हम बस अड्डे पर क्या करेंगे? टिकट कटवाने आए थे रेलवे स्टेशन पर। अच्छा बसें चलती हैं? नहीं रेलवे स्टेशन पर टिकट करवाने आए थे। अच्छा अच्छा, लोग हैं मानने का काम नहीं करी, तो दो महिलाएं और आ गई भाई। नमस्ते जी, आप कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे? हम सर बडाड़ा से आए हैं, अल्ट्रासाउंड करवा के आए हैं। अल्ट्रासाउंड करवा के? आप अल्ट्रासाउंड करवा के आए? हाँ। चलो आप सेफ्टी से जाए, सेफ्टी से आए। सही 12 बज गए, 15 मिनट हो चुके, और महिला महिला पुलिस कर्मचारी भी हैं और ऑन द सपोर्ट हैं इसी गर्मी के अंदर और इसी धूप के अंदर, तो उन बहन बेटियों से विनती है इनसे सीख ले और इनकी माने कि आप घर रहें या किस प्रकार से रहें, क्योंकि मैम महिलाएं भी रोड पे ज़्यादा देखी जाती हैं। हाँ महिलाएं भी आती तो हैं। क्या कहें आप उनसे, क्या अपील करेंगे ताकि उनको सीख मिले? और आप? हम उनसे कहते हैं भी कोई ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर ना निकलें। आम तो है जी, अब टाइम वो आ गया कि घर के अंदर कैद होना पड़ेगा अगर चैन सिस्टम तोड़ना है तो विनती महिलाओं से भी, महिलाएं पुलिस कर्मचारी ड्यूटी दे रही हैं गर्मी के अंदर, तो कृपया उनसे विनती है महिलाओं से जो घर पे हैं,
घर रहें, सेफ रहें और अपने परिवार को भी सेफ रखें। बात करा 2:45 की, चाहे आशी गेट हो, चाहे घंटा घर हो, चाहे दिनोद गेट हो, चाहे जैन चौक हो, चाहे रुत गेट हो, चाहे मैम गेट हो, चाहे दादरी गेट हो, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है हर चौकों पर, लेकिन लोग जागरूक नहीं है। चाहे बात पोच गम सराय चौपट में तो अधिकारी हैं, बैठे हैं, बातें करने लग रहे हैं, भाई किस प्रकार से आए थे और किस व्यवस्था से बाहर निकले हैं। पुलिस अपनी मुँह से ड्यूटी देना रही है, लेकिन लोगों से एक कर्तव्य, लोगों का एक फ़र्ज है कि अपना दायित्व निभाए और जो काम ना हो घर से बाहर ना निकलो। क्योंकि आज जो मैंने मंजर देखा, एक 30-35 साल का CA का हमारा पड़ोसी, वो भी इस कोरोना की वजह से जा चुका। तो विनती आपसे, बीमारी है, कृपया सतर्क रहें, ध्यान से रहें, घर से बाहर तभी निकले तभी कोई ज़रूरी काम हो। अधिकारी हैं, बात कर लेता हूं सर, क्या क्या लोगों को हिदायतें दी जा रही है और किस प्रकार के लोग घरों से बाहर निकलते। तो भाई सो भाग है, दो दो स्टार के अधिकारी चौका बैठे हैं, देश में कोरोना कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। सिविल हॉस्पिटल के आगे फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए थे और वही आज 2:45 तो चौक के ऊपर बैठे हैं अपने सब दोस्त समाज के साथ। ये तो होगी पर्ची कटने की और वो होगी बिल बुक, दोनों काम नक्की करते हैं हाथों हाथ, जो लोग मानते नहीं। बड़े भाई साहब किस प्रकार का चलान कर रहे हो सर, क्या थोड़ी हिदायतें दे रहे हैं लोगों को? ऐसा है, सरकार हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर रखा है, कोरोना की सेकेंड वेव बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगर पब्लिक नहीं मानती है तो हम उनका फाइन करते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट का चलान करते हैं, जो मास्क नहीं पहनते हैं और उनको पनिशमेंट देते हैं। तो सर किस प्रकार के लोग बाहर घर से निकल रहे हो और किस प्रकार के आप लोगों के रूप में पनिशमेंट दी जा रही? नहीं, अब तो पब्लिक के समझ में आ रहा है कि अच्छा, कोरोना ज़्यादा हो रहा है जी, तो लोग एसेंशियल सर्विसेज के लिए, एमरजेंसीज के लिए ही बाहर आ रहे हैं जी। कोई मेडिकल के लिए आ रहा है, कोई हॉस्पिटल में जाना है, किसी का एडमिट है, कोई राशन के लिए आ रहा है। जो इमरजेंसी से बाहर आता है उसको हम कुछ नहीं करते। जो सर लगता कि अब सख्ताई से नहीं, लोगों के दिलों पे आराम से बात करके काम चलेगा, क्योंकि लोग भी जागरूक हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन में कहीं ना कहीं मुस्तैद है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो फालतू हैं, आवारागर्दी करते हैं, उनका तो पनिशमेंट दी जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट देनी पड़ेगी उनको। तो सर अगर बात की जाए आदेश होगी, तो सर आम आदमी के लिए आदेश क्या क्या जारी किए हुए प्रशासन ने, किस तरह से उठे बैठे करवाई जाएगी, तंग कान पकड़ा जाएंगे या उनका फिर चलान करूँ में किसी को पनिशमेंट किया जाएगा? नहीं, ऐसे हो सकता है कि काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो उपद्रवी घूमने वाले हो तो वैसे घूमते सर। नहीं, हमारे अफसर आला अधिकारी के तो आदेश यही हैं, सभी को प्यार से समझाएं, सभी को बताएं, पब्लिक को जागरूक करें, गली मोहल्ले जाकर स्पीकर से माइक लेके सभी को जागरूक किया जाए, और जो फिर भी नहीं मानते हैं तो उनको फाइन किया जाए, पनिशमेंट की जाए। चलो भाई बात की युवा अधिकारी से, देश की तस्वीर युवा बदलेगा, मोदी जी का आग्रह, लेकिन देख लो चौक पर ये व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है। अब ये शेखाव साहब की बड़ाई को या भिवानी प्रशासन के एक एक उसी नागरिक की बात को, क्योंकि इनको चिंता हो चुकी है अपने शहर की, अपने ज़िले की, इसलिए ये मुस्तैद हो गए। और लोगों से विनती कि वो भी घरों से बाहर तभी निकले जब कोई ज़रूरी काम हो, नहीं तो आप कोरोना की चपेट में आ सकते हो। हाँ जी, किस जाओगे? मास्क तो लगाओ साहब, बिना मास्क ये आपने भी लगाया है, मास्क दो उनको। नहीं भाई, पुलिस डिपार्टमेंट मास्क भी देने लग गया भाई साहब, के कहोगे इंद्रपाल भाई, क्योंकि आपकी बोली बड़ी सख्त है इस बारे में भाई, सच्ची बात। JNC न्यूज से अजय नायक व मेरे सहयोगी मानू खरोले की ये खास रिपोर्ट 2:45 की।